जी, आज आदम खां को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, जो मुकदमा दर्ज हुआ था बाद में, उसको लेकर क्या कहेंगे इसको? देखिए, आखिर में जाकर सच्चाई की जीत हुई है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो कितने दिन के बाद रिहाई मांगते हैं? तकरीबन 2.5 साल के बाद रिहाई हो रही है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्या मानते हैं, क्योंकि यहाँ से तो हाई कोर्ट ने भी जो फैसले देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, हमारे साथ इंसाफ किया है, आजम साहब के साथ इंसाफ किया है, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा था, संज्ञान लिया था इस बात का भी कि ऐसी कौन सी बात है कि एक जमानत होते ही फौरन दूसरा मुकदमा लग जाता है। तो इसे इंसाफ की जीत मानती है? हाँ बिल्कुल, इंसाफ की, सच की जीत है, सच्चाई की जीत है। अच्छा, पार्टी का जो रवैया रहा है, जिसमें समर्थकों में नाराजगी थी, उसमें अब किस तरह का रवैया रहेगा? ये तो आजम साहब आकर खुद बताएंगे। नहीं, समर्थकों में तो नाराजगी थी, अखिलेश के खिलाफ नाराजगी थी। नाराजगी तो अब भी है समर्थकों में। आप क्या महसूस कर रही हैं? अब आजम साहब आ जाएं, एक दो दिन में वो खुद आ जाएंगे, तो वो खुद ही बताएंगे।